नमस्कार। तो आज हम मध्य प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर में आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज़ में। हमारे साथ में है एक बहुत छोटी सी बच्ची जिन्होंने यहाँ पे लोगों को नर्मदा माता को स्वच्छ रखने के लिए शपथ दिलाई थी। तो आइए हम जानते हैं उनके बारे में। आप अपना नाम बताइए। तेजस्वनी दुबे। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फोर्थ सी। कौन सी स्कूल में? स्कूल का नाम बताइए। सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल। सत्य प्रकाश पब्लिक स्कूल। आप अपने बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है कि नर्मदा मैया हमेशा साफ सुथरी रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने क्यों ऐसा करने के बारे में सोचा, लोगों को शपथ दिलाने के बारे में कि नर्मदा माता स्वच्छ रहें? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? मैं मम्मी पापा के साथ यहाँ पे रोज आती थी, तो मैं देखती थी कि जो लोग पैर पढ़ते थे 12 ज्योतिर्लिंग के, वो चप्पल पहन के पढ़ते थे, और फिर जो पूजा करते थे वो पैर डाल के पूजा करते थे, दोनों प्रसाद खाते थे तो यहीं फेंक देते थे अनाउंसमेंट करने के बाद भी। तो मैंने सोचा मुझे स्वच्छता का संकल्प दिलाना शुरू करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने स्वच्छता के बारे में सोचा, और जैसा कि आप देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि लोग किस तरह से आते हैं और यहीं पे जूते चप्पल पहन के नर्मदा मैया की आरती करते हैं और इधर उधर की चीज़ें फेंकते हैं, जो इस छोटी बच्ची ने ऑब्जर्व किया और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सर, मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, इसकी उम्र केवल 5 साल है और इसने कम से कम 21 लाख लोगों को शपथ दिला दी, जिसमें कि अमित शाह और राहुल गांधी भी सम्मिलित हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा शीर्ष का नेता भी इस मुहिम में सम्मिलित हुआ, जिसने ये हमारी गुड़िया ने जो शपथ दिलाई है ये अद्भुत और सराहनीय है और विश्वसनीय नहीं है, मगर ये विश्वास करना पड़ेगा आपको। जो इतनी सी बच्ची संकल्प दिला रही है लाखों लोगों को, ये हमारे जबलपुर के गौरव की बात, बहुत ही गर्व की बात है, जैसा कि आपने कहा। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं दिनेश कुमार नेमा, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फोटोग्राफर हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं संस्कार धानी में पला बड़ा हो रहा हूँ, और इसके अलावा मैं नर्मदा जी के बिल्कुल पास में रहता हूँ। मगर मुझे कुछ लोग तो इस मुहिम में सम्मिलित हैं कि साफ़ सफाई होना चाहिए, माँ नर्मदा जी स्वच्छ और साफ एकदम निर्मल कोमल की तरह बहती रहें, मगर ये देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इसमें लगे हैं और कुछ लोग बिल्कुल यहाँ आके थोड़ा सा तो प्रतिज्ञा लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, वही प्रसाद का दोना वहीं फेंक के चले जाते हैं। वो उनकी भावना है कि हम यहाँ पवित्रता में सम्मिलित हैं, खूब फूल चढ़ा रहे हैं, घर का पूरा कचरा भगवान का लाके हवन कुंड और दुनिया भर का बोरे में भर भर के लाके नर्मदा जी में प्रभावित कर रहे हैं। ये देखिए उनकी आस्था है, मगर उनको मैं ये केवल संदेश देना चाहता हूँ, ये उनकी आस्था नहीं, ये माँ नर्मदा जी को आप गंदा कर रहे हैं और पाप की भागीदारी हो रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि हे माँ नर्मदा जी, इनको इस पाप से मुक्त करें और इनको ऐसी प्रेरणा दें कि वो लाएं अगर तो वहाँ यहाँ पास में रखे हुए कंटेनरों में वो कचरा डालें। कचरा तो नहीं है, आपकी जो भी भावनाओं में उतना ही कहूँगा, माँ नर्मदा जी को स्पर्श भी मत कराएं, वो कचरा के बराबर है। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, मैंने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि मुझे डस्टबिन ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँ डस्टबिन तो हैं, मगर समय समय पे ये आरती का समय इसलिए थोड़ा सा दूरी कर दी गई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम माँ नर्मदा जी का जो जल है
वो पूरे घरों में जबलपुर में सप्लाई है। जबलपुर में क्या, मध्य प्रदेश में नहरों के माध्यम से इस डैम का पानी माँ नर्मदा जी का जा रहा है, घर घर तक जा रहा है। जो ये मिशन है नदियों से नदियाँ जोड़ने का, मोदी जी और जो बड़े बड़े नेता और हमारे नागरिक जितनी भी जनता है यही चाहती है कि निर्मल जल हमको मिले, मगर ये संभव हो प्रतीत नहीं होता। एक आदमी एक चना बाढ़ में नहीं बुन सकता, ये हम सबको एक होना पड़ेगा, तभी हमारा स्वच्छ भारत और नदियां भी साफ स्वच्छ रहेंगी। तो अभी जैसा आप देखेंगे कि गंगा की सफाई के बारे में काफ़ी कुछ काम हुआ है। अभी हाल ही में हम बनारस गए थे, हमारी टीम देखा कि बनारस में गंगा माता बहुत ही ज़्यादा साफ़ हैं, जबकि यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा गंदगी है। तो आपको क्या लगता है, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ रूल बनाने चाहिए या फिर लोगों को कुछ मुहिम चला के लोगों को जागरूक करके इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जागरूकता अभियान तो लगातार चल रहा है, मगर ये देख रहे हैं कि शासन जब तक सख्त नहीं होगा, सख्त कानून नहीं बनेगा, या यूं कह लीजिए जैसे ट्रैफिक चालान करता है ऐसी व्यवस्था जब तक लागू नहीं होगी तब तक ये गंदा पानी, जैसे आज शासन भी इसमें लिप्त है, मैं क्षमा चाह रहा हूँ, बार बार क्षमा चाह रहा हूँ कि शासन के साथ भी विडंबना है कि उच्च कोटि के जो स्तर से जो मैप का प्लान नहीं हुआ होगा पहले, मगर अब हो रहा है, मगर आगे जाके नहीं पीछे जाके गंदगी गंदे नाले उसमें मिल रहे हैं। आप देख लीजिए ये साई नाला या खंदारी नाले हैं, यहाँ जरूर नर्मदा जी से थोड़ा सा दूर शहर में से निकल रहे हैं, मगर आगे जाके देखेंगे वो जाके माँ नर्मदा जी में ही मिल रहे हैं। तो आप शहर में तो स्वच्छता बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आगे जाके वो पूरा शहर की गंदगी उस माँ नर्मदा जी में प्रभावित की जा रही है। तो ये इतना जब तक तरीके से नहीं होगा कोई भी का, और पूरा हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमें माँ नर्मदा जी को गंदा नहीं करना, तब तक ये संभव नहीं। आपने कहा कि आपका शहर जबलपुर स्वच्छ है, क्या सचमुच में ऐसा है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा, कहीं कहीं तो बहुत स्वच्छ है, मगर अधिकतर जो अंदर बस्तियों में मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आज भी गंदगी है। आज भी लोग जो, मैं तो कहता हूँ जो गंदगी को उठाने के लिए सच्चे सैनिक की ड्यूटी लगी हुई है, जो नगर निगम के कर्मचारी, मैं उन्हें सच्चा सैनिक कहना पसंद करूँगा, क्योंकि हमारी गंदगी को वो लोग उठा के सफाई कर रहे हैं। तो उनका सहयोग जब तक मोहल्लावासी नगरवासी सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग आके गंदगी नहीं कर रहे हैं, गंदगी हम मोहल्ला पड़ोस के लोग कर रहे हैं। तो ये इस बात का बहुत, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत नहीं, जिस दिन ये सोच लेंगे कि हम घर का जो कचरा निकाल के बाहर एकदम से फेंक देते हैं, डस्टबिन दी हुई है नगर निगम ने उसमें डालें, नगर निगम की 90% तो गाड़ी 80% तो आ ही रही हैं और सफाई कर रहे हैं। जैसा कि आपने बोला कि 90% घरों में सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं, आपने उनको सैनिक बताया और वाकई में ऐसा सही है, उनका सम्मान होना चाहिए। यहाँ तक कि सफाई कर्मियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैर भी धोए थे, तो वाकई में वो लोग सम्माननीय हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो लोग कुछ इलाकों में पहुंच पा रहे हैं? आपने जैसा बोला कि जबलपुर में कुछ इलाके बेहद ही साफ स्वच्छ हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा गंदगी है और सफाई कर्मचारी वहाँ पे उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि वो दूसरे इलाकों में कर पा रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर मैं एक छोटी सी बात पहले अपनी बताना चाहता हूँ, मेरे फादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उन्होंने जो सत्य बात बताऊँ, 15 अगस्त के एक दिन पहले ये दो दिन पहले उनके लिए भोज आयोजित किया उन्होंने अपने फंड से, अपने स्वतः के फंड से, और उनका बाकायदा सम्मान किया। मैं नर्मदा नगर ग्वारीघाट रोड पे रहता हूँ, ये मालूम भी किया जा सकता है। उन सच्चे सैनिकों को भरण पोषण, उनको बाकायदा सम्मान दिया और उनको ये एहसास कराया कि आप लोग हमारे लिए नियुक्त हैं और आप लोग हमारे घरों की कचरा जो हम निकाल रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं हम लोग, उसको आप लोग उठा के सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत, मैं तो उनके श्रेय दय से उनको धन्यवाद देता हूँ। और अगर जिस दिन नगर का हर व्यक्ति, भारतीय हर भारतीय ये संकल्प ले ले कि ये सच्चे सैनिक हमारे गंदगी उठा रहे हैं और उन्हें सम्मान की नज़र से जिस दिन देखने लगेगा, ये वो दिन दूर नहीं कि हमारा भारत बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहेगा। अभी जैसे आपने देखा कि इस 5 साल की बच्ची ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई, माँ नर्मदा को साफ करने की शपथ दिलाई, तो आपको क्या लगता है कि बच्चे ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं,
कंपेयर टू ऐसे लोगों के जो ऑलरेडी एडल्ट हो चुके हैं, वो सफाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि कहीं कहीं स्कूलों में ये शिक्षा दी जा रही तो मैम जो या टीचर्स की बात जल्दी से आदमी ग्रहण करता है। तो मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि स्कूलों को ऐसे निर्देश दिए जाएँ कि स्वच्छता का 10 मिनट का पीरियड ज़रूर हो, जिससे और वो अपने पेरेंट्सों को जाके बच्चे बताएं कि गंदगी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी रिकवरी होगी और बहुत जल्दी लोग जागरूक होंगे। कुल मिला के इनका कहना है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो घर से शुरू होना चाहिए। एक जनरेशन है जिनको स्वच्छता का पाठ पढ़ाया नहीं गया, उनको स्वच्छ वातावरण के बारे में उतनी महत्व उसका पता नहीं है। तो इनका कहना यह है कि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको 10 मिनट के लिए पढ़ाया जाए स्वच्छता के बारे में, ताकि वो जाके घर में अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करें, स्वच्छता के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं घर में मोहल्ले में, ये बच्चे उस संदेश को अपने घर तक पहुंचाएं और घर को स्वच्छ रखें। घर स्वच्छ रहेगा, मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, तो निश्चित तौर पर अपना भारत भी स्वच्छ रहेगा। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और किसी को बुरा लगे तो वो अपना घर स्वच्छ रखते हुए मोहल्ले को स्वच्छ रखे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, दुकानदार हैं, उनके नीचे से नाले बह रहे हैं, वो अपनी गंदगी सब नाले में डाल देते हैं, नाली चौक हो जाती हैं। अभी बारिश का समय आएगा, लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, लोग नगर निगम को दोष देंगे। ऐसा नहीं है, जब तक आप वो नाली में जो अवरुद्ध हो जाता है हमारा कचरा, दूसरे का नहीं, या दिल्ली वाले आके कचरा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कचरा कर रहे हैं हमारे मोहल्ले में, तो वो जो नाली है जहाँ से पानी बहना है बारिश का, उस बारिश के पानी को अगर हम सरलता से जाएगा तो कभी भी बाढ़ की नौबत नहीं आएगी, ना घरों में पानी भरेगा। तो जैसा कि आपने कहा कि नगर निगम के लिए सरदर्द बने हैं वो व्यापारी जो अपने खाने पीने की दुकानें चलाते हैं और उनके पास डस्टबिन नहीं है, स्वच्छता के लिए कोई पैमाना नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए नगर निगम ही जिम्मेदार है? सर, नगर निगम अगर जब तक ट्रैफिक, जैसा मैंने अपनी बातों में बताया, चालान नहीं करेगा, बिल्कुल देखा वहाँ सीसीटीवी कैमरे में कि इस आदमी ने गंदगी की है, तट से 1,000 रुपये का चालान कटेगा नहीं, तब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन चालान कटने लगेंगे, डंडे की मार से डरता आदमी या तो पैसे की मार से डरता है। तो मैं, हमारे जो ओमकार जी हैं, ये उन्हीं की बेटी है हमारी भतीजी, मैं उनको भी इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहता हूँ। इन्होंने माँ नर्मदा जी की जो आरती में बहुत अभूतपूर्व अपनी उपलब्धि और योगदान दिया है, जिनके कारण ये आरती में बहुत हमारा जबलपुर संस्कारदानी पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ।